जोड़ तोड़ की राजनीति लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, हर राजनीतिक पार्टी जातिगत समीकरण से लेकर वर्ग समीकरण को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय समीकरण पर भी काम करने लगी है। मगर बीजेपी जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सत्ता में और केंद्र की सत्ता में मौजूद है, वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश उसके हाथ से चला जाए। बीजेपी लगातार अलग अलग बैठक कर रही है, अलग अलग समीकरण बना रही है और इस समीकरण के तहत बीजेपी ने नए समीकरण और तैयार कर लिए हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी मुख्य विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के प्रमुख वोटरों में से यादव वोटर में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी को करीब से जानने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि बीजेपी विपक्षी पार्टी के मूल वोटरों को तोड़ने पर अपना पहला बल देती है और इसके लिए वो अलग अलग रणनीति तैयार करती है। जानकारी ये भी आ रही है कि बीजेपी दिल्ली से उत्तर प्रदेश में एक यादव नेता को यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश जल्द ही भेजेगी। आपको बता दें कि इसके पहले बीजेपी के ये नेता 2017 और 19 के चुनाव में भी मोर्चा संभाल चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी को काफी सफलता भी मिली थी उत्तर प्रदेश में। 2017 के चुनाव और 2019 के चुनाव की तर्ज पर इस नेता को फिर से उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा और यादव वोटर को प्रभावित करने की पूरी जिम्मेदारी इस नेता के कंधों पर बीजेपी डाल चुकी है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। फिलहाल आपको बीजेपी के इस ब्रह्मास्त्र का नाम बता देते हैं। इनका नाम है भूपेंद्र यादव। अब देखना यह होगा कि बीजेपी का यह ब्रह्मास्त्र उत्तर प्रदेश में यादव वोटरों को अपनी तरफ लाने में कितना कामयाब होता है। वहीं इस वक्त की जमीनी आंकलन की बात करें तो जमीन पर इस वक्त हर समाज के लोग बीजेपी से काफी नाराज हैं और इस वक्त बीजेपी के लिए आसमान में कील ठोकने जैसा काम होगा। लेकिन आपको साथ ही ये भी बता दें कि भूपेंद्र यादव उत्तर प्रदेश के जमीनी लोगों को प्रभावित करने में ज्यादा सक्षम नहीं है। हालांकि वो संगठन के तौर पर कई गुटों को तोड़ने में अपना गणित पहले भी लगा चुके हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।